दिल्ली के पास गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में एक कपड़ा कारोबारी, उनकी पत्नी और दो बेटों की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक कपड़ा कारोबारी के भतीजे ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। घटनाक्रम में हमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करते हुए इस घटना का आज अनावरण हम लोग द्वारा किया गया है। इसका मुख्य अभियुक्त का नाम अयूब पुत्र स्वर्गीय बाबूदीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा थाना लोनी होना प्रकाश में आया। ये जिन बुजुर्ग की हत्या हुई उनका सगा भतीजा है, पारिवारिक सदस्य है, परिवार में इसका आना जाना रहा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी हत्याकांड में बड़ी अपडेट बता दें कि जिस कारोबारी को मार दिया गया, उनके दो बेटे और उसमें पत्नी भी शामिल थे, इसका आरोपी उनका सगा भतीजा सामने आ रहा है। पूरा मामला पुलिस ने के मुताबिक कपड़ा कारोबारी के भतीजे ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उस पिस्तौल को भी बरामद किया गया है जिससे फायरिंग की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी इलाके में कुछ दिन पहले एक कपड़ा कारोबारी, उनकी पत्नी और दो बेटों की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब उस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। और हैरान परेशान और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मर्डर के पीछे खुद कपड़ा कारोबारी का सगा भतीजा सामने आया है और अब इस दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है।